हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम वंस अगेन इन रामनेर क्लासेस. व्हाट्सएप बेस असेसमेंट क्लास 8 इंग्लिश का वीक 11 का आ चुका है, यानी कि साप्ताहिक क्वीज़ या शनिवारी क्वीज़ का हल लेके आई हूँ. आज शनिवार है तो आज का आ चुका है वीक 11 का. आज की डेट है 18 सितंबर 2021. तो आपको इस वीडियो में 8 में से 8 नंबर आने वाले हैं, यानी कि वीडियो देखने के बाद आप अपनी क्विज़ करेंगे तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे. 8 प्रश्न हैं, 8ों प्रश्नों के आंसर की के साथ सही सही हल बताऊंगी, इसलिए निश्चिंत रहिएगा. वीडियो को पूरा देखिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके. तो इस चैनल पर आपको सारी साप्ताहिक क्विज़ का हल मिलेगा, हर कक्षा का, हर विषय का, और सारे होमवर्क का भी उत्तर हम लिख के आते हैं हर रोज, जो भी होमवर्क आते हैं. तो चैनल पे बने रहिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं आज का क्विज, क्लास 8 इंग्लिश का. चलिए, इन विच ईयर डिड सुनामी हिट द तमिलनाडु कोस्ट. तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये, तो तमिलनाडु कोस्ट पे सुनामी कब आई थी. तो यहाँ ऑप्शन देखिए, 2001 2004 2020 2008. तो यहाँ 2004 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, कब आई थी, 2004 में. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गेस्ट हाउस कुक. गेस्ट हाउस के कुक का क्या नाम था, जॉन स्मिथ, अलमाज या संजीव. तो सही उत्तर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर 1, जॉन. कुक का नाम जॉन था. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड तिली स्मिथ नो दैट समथिंग वाज रॉन्ग. उसको क्यों लगा था कि कुछ गलत है. द सी वाज राइजिंग, द सी फॉर्म वर्लपूल्स, द शी रिकॉल्ड हर ज्योग्राफी लेसन ऑन सुनामी, या ऑल ऑफ द एबो. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबो. ये तीनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही करना है आपको. अगला है, हाउ डिड मेघना स्पेंड 2 डेज इन द सी, क्राइंग, स्विमिंग, फ्लोटिंग इन द सी, होल्डिंग टू अ वुडन डोर, या ऑल ऑफ द एबो. तो हाउ डिड मेघना स्पेंड 2 डेज इन द सी, उसने समुद्र में 2 दिन कैसे बिताए थे मेघना ने. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्लोटिंग इन द सी, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेस्क्यू. रेस्क्यू का मतलब होता है बचाओ. तो यहाँ देखिए, बचाओ कहाँ लिखा है, टू सेव, टू अबैंडन, टू एंडेंजर, टू हर्ट. तो सही उत्तर हो जाएगा टू रेस्क्यू का, टू सेव, ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट है, हाउ डिड मेघना रीच द शोर. शी सॉ रेस्क्यूड बाय द रिलीफ हेलीकॉप्टर, अ शिप हेल्प्ड हर रीच द शोर, शी वॉज ब्रॉट टू अ शोर बाय अ वेव, नोन ऑफ द एबो. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव. नेक्स्ट है, हाउ डिड द डॉग सेव देयर मास्टर्स लाइफ. दे रिफ्यूज टू गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, दे प्लेड विथ हिम ऑल डे, दे रन अवे फ्रॉम द हाउस, दे वेंट टू अ बीच विदाउट हर देयर मास्टर. सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाउ डिड द डॉग सेव देयर मास्टर्स लाइफ. तो दे इसका सही उत्तर है, दे रिफ्यूज टू गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच. नेक्स्ट है, द वर्ड अक्यूट इन द पैसेज मीन्स. इसका सही उत्तर है शार्प, ऑप्शन नंबर 1. तो देखिए, 8 प्रश्न थे इंग्लिश के, 8 प्रश्न मैंने बिल्कुल पूरी पूरी बता दी है एंसर की के साथ. तो आपको इस वीडियो देखने के बाद 8 में से 8 प्रश्न आने वाले हैं, सही होने वाले हैं. तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. आपने वीडियो देख लिया तो अपनी क्विज कीजिए, पूरे में से पूरे मार्क्स लाइए, और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके पूरे मार्क्स आए या नहीं. पूरे मार्क्स तभी आएंगे जब इन प्रश्नों को आप उत्तरों को याद कर लेंगे, क्योंकि नकल करने से कुछ नहीं होता है, याद करने से सब कुछ हो जाएगा. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.